हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली तंजीम मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान खान ने मेवात का दौरा किया। मेवात दौरे में आए इमरान खान सबसे पहले मॉब लिंचिंग के शिकार हुए घासेड़ा गांव के लुकमान व अन्य साथियों से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें पूर्ण न्याय का भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं, इमरान खान द्वारा बड़कली चौक पर पहुंचने पर जहां मुस्लिम सभा के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत हुए, बामसेप के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह सलंबा द्वारा पगड़ी भेंट कर मेवात आने पर तहदिल से शुक्रिया अदा किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुस्लिम महासभा 2007 में बनी थी और यूनुस शेख साहब ने बनाई थी, मरहूम यूनुस शेख साहब जी, और वो उदयपुर रहते थे, मैं गाजियाबाद रहता था। लेकिन जो स्थितियां चल रही थी, हम लोग गाय रक्षा दल हमने बनाया था और गाय की रक्षा कर रहे थे। आप सोचेंगे मुसलमान गाय की रक्षा किया, लेकिन जो अत्याचार हो रहे थे हमारे ऊपर, गायों के नाम पर हम लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। तो उस समय 2016 में मेवात से लोग गए थे हमारे जंतर मंतर के धरने पे और दूध लेके गए थे यहाँ से। हम लोग गोप्रेमी हैं, हम लोग गाय की सेवा करते हैं, आप जानते हैं पूरे मेवात में। मेवात ऐसा है जो गाय के दूध निकलने के बाद भी बेचता नहीं है। और यूनुसेफ साहब ने हम लोगों को देखा, हम लोग जुड़े और मेरे काम देखते हुए उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, फिर राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और फिर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हम लोग काम करते तो सर ब्लीचिंग के लिए जो हम लोग देख रहे हैं, जो ये उसमें है अभी लुकमान भाई के साथ जो हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जुझारू बच्चे निकले और हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करें और मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें करें। तो मेवात की धरती, मेवात की धरती हसन मेवात साहब के टाइम से, राणा सांगा साहब के साथ से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है। और हम लोग 1500 साल से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पे रही है 74 से साल यहाँ पे हो गए, लेकिन विकास कार्य पूरे हो नहीं पाए, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। और मेवात जो कौम है ना, ये बड़ी जुझारू बड़ी प्यारी कौम है और इसका विश्वास, इसकी सारी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ की समस्याओं का निदान करने के लिए हमने आज पहले कमेटी गठित करी थी, मेरा ये पहला दौरा। और मुस्लिम महासभा नाम आपको लग सकता है कट्टरवाद का, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, हम लोग तालीम के लिए काम करते हैं, हम लोग 4T पे काम करते हैं। तालीम बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, तंजीम सारे लोग साथ रहे, हिंदू मुस्लिम संगठन साथ रहे, तिजारत बिजनेस आपस में एक दूसरे को मिले, जब संगठित होंगे एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे का व्यापार साथ रहेगा और तरक्की। जब ये 3 T मिल जाते तो चौथी अपने आप हो जाती है। इन 4T पे मुस्लिम महासभा काम करती है और हम लोग अपने बच्चों को लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि विधायक का बेटा विधायक ही बने, हमारे जो बच्चे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये यूथ मेहनत करे और अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करे तो ये निकल के विधायक बन सकता है। और क्योंकि इसने गरीबी देखी है, इसने शिक्षा के लिए बहुत दूर तक गया है, तो ये अपने क्षेत्र में अपनी जगह पे अपने एजुकेशन के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए, अपने शहर का विकास करने के लिए, अपने गाँव का विकास करने के लिए अपना खून पसीना एक बहाएगा और तभी लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर मुस्लिम महासभा काम कर रही है और मैं आज जुनैद भाई के कहने से, भाई साहब के कहने से मैं बात आया हूँ और ये हमारी पहली मीटिंग है और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे पूरा काम करेंगे। यहाँ के जितनी चीज़ें उन लोगों को लेकर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, एजुकेशन के लिए होगा और सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम एकता जो मॉब ब्लीचिंग चल रही है यहाँ पे, उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक धर्म संसद यहाँ रखी जाएगी जिसके अंदर हिंदू लोगों का भी सम्मान होगा और मुस्लिम लोगों का भी सम्मान।